वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सारिआं नूं इही बेनती करना चाहुंदी हाँ, जिवें कि राज्यपाल साहब ने जां बब्बू भाई जी ने जां अमितोज मान जी ने इको गल स्टेज दे उत्ते कही है, एके दी जो साड़ी 26 तरीक तो बाद बहुत ज़्यादा साढ़े विच वंडा पाइया गई हैं गवर्नमेंट वालों जां आई टी सैल्स वालों सोशल मीडिया के उत्ते। सो असी अज आ एके दी रैली कर रहे हैं कि सारे सारिआं नूं इकट्ठे होकर चलन की लोड़ है। इहदे उत्ते धार्मिक जथेबंदियां, साडियां जथेबंदियां जां कलाकार जिहड़े पहले दिन तो जुड़े होए ने इस अंदोलन के नाल, असी सारे इस चीज़ नूं सपोर्ट करदे हां। किसानां नूं सारिआं नूं इस किसानी घोल दे विच मिलजुल के चलन की लोड़ है। और अज असी भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े के उत्ते जे असी इकट्ठे होए हाँ, मैनू लगता भी सानू भगत सिंह के बारे पढ़ना चाहिए है। भगत सिंह की फांसी वाले दिन भगत सिंह का 23 तरीक नूं जिदन उन्होंने पहलों फांसी दे दी गई सी, जदों उन्होंने कोल पुलिस वाले आए थे तो भगत सिंह जी उस टाइम के उत्ते लैलन की किताब पढ़ रहे थे। उदों उन्होंने कहा सीगा पुलिस वाले नूं, एक क्रांतिकारी नूं दूजे क्रांतिकारी तो तुसीं अलग कर रहे हो। सो वो वाला जिहड़ा उन्हां दा एक पेज सीगा उन्होंने फोल्ड कर दिता सीगा। वो पेपर फोल्ड करन दा मतलब यही है कि वह अगे पढ़ना चाहते सीगे। सो मेरी यही बेनती है अपने यूथ तो कि जे असी भगत सिंह की पीढ़ी नूं अगे लैके जाना चाहते हाँ, जे अज असी इकट्ठे होए हाँ भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े से, सानू वो लैनन की बुक पढ़नी चाहिए है। सानू जानना चाहिए है कि भगत सिंह दे विच वो क्रांतिकारी खून सीगा, वो साड़ी पीढ़ी दे विच भी आना चाहिए है। सानू सारे धर्मां तो उत्ते उठ के इस किसानी झंडे के थले किसानी लड़ाई करनी चाहिए है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।